नमस्ते। आज हम गरबा खेलना सीखेंगे। गरबा गुजरात का लोक नृत्य है और नवरात्र के 9 दिनों में गरबा खेला जाता है। गरबा हाथ से खेलते हैं और दांडिया रास जो होती है वो दांडिया की लकड़ी डंडियों से खेला जाता है। तो गरबे में दो प्रकार होते हैं, एक होता है दो ताली गरबा और तीन ताली गरबा। दो ताली में दो तालियां बजाई जाती हैं, तीन ताली में तीन तालियां बजाई जाती है। तो पहले हम दो ताली वाला गरबा सीखेंगे और उसके बाद अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगी तीन ताली का गरबा। तो गरबा गोल घूमकर किया जाता है। अगर ये हमारा गोल है तो ये दाई तरफ घूमेगा। तो हम शुरू करेंगे बाएं पैर से। बाया पैर सबसे पहले पीछे लीजिए, दाया पैर के पीछे एक, फिर दाया पैर बगल में दो, बाया पैर दाया पैर के आगे तीन, फिर से दाया पैर बगल में चार। तो ये हुए चार स्टेप्स। फिर से बाया पैर दाया पैर के पीछे एक, दाया पैर साइड में, फिर सामने बाया पैर आगे क्रॉस कीजिए और उसके बाद फिर से दाया पैर बगल में। फिर से एक बाया, दो दाया, तीन बाया, चार दाया। अब इसमें हम ताली जोड़ेंगे। तो पहली ताली बाई तरफ, जब बाया लेग पीछे जाता है, फिर हाथों को खोल दीजिए और दाया पैर दाई तरफ, फिर बाया पैर सामने आ जाता है दाया पैर के और हमारी ताली होती है दाई तरफ और फिर हाथ खुल जाते हैं दाया पैर से। तो फिर से एक दो तीन चार, एक दो तीन चार। अब मैं आपको थोड़ा म्यूजिक तेज करके, म्यूजिक के साथ हम करेंगे। ये गुजराती गाना चल रहा है, इसके साथ हम एक दो तीन चार, एक दो तीन चार, इसको थोड़ा एक दो इस तरह से आप थोड़ा कूद कर भी खेल सकते हैं। एक दो तीन चार, आप चाहे तो ताली थोड़ी ऊपर भी बजा सकते हैं और इसमें गोल भी घूमा जा सकता है इस प्रकार। एक दो तीन चार, एक दो तीन, और जब म्यूजिक तेज चलता है थोड़ा तेजी से भी इसको खेल सकते हैं। तो ये था दो ताली गरबा, गुजराती में से कहते हैं बे ताली गरबा। अगले वीडियो में मैं आपको तीन ताली का गरबा सिखाऊंगा।